दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पर्यावरण की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पहले टॉपिक हमारे पर्यावरण एवं सतत विकास से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को। इसमें मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने प्रैक्टिस सेट को इसलिए शामिल किया है क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से दोस्तों हमें क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है और हमें हमारी एक बेहतर तैयारी के लिए हमें प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट को सर्च करते हैं यूट्यूब पे, देखा है अगर मिल जाए प्रैक्टिस सेट तो कर लेते हैं, ठीक है, और नहीं मिले तो फिर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जब हम बी सक्सेस प्लस की ओर से आपको इस तरीके से ही तो पहले टॉपिक उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं शामिल करने वाला हूं, तो कब तक याद नहीं होगा, पहले आप टॉपिक कंप्लीट करिए फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करिए। एक बेहतर तैयारी के लिए हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, ठीक है। जो भी व्यक्ति नए आए हैं प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप पिछली दोनों वीडियो को देख लें फिर उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं, यकीन मानिए आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, क्वेश्चन की करनी हो या किसी भी टॉपिक की करनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमने पिछले दोनों वीडियो में पहले टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था पर्यावरण के बारे में पढ़ा, पर्यावरण हमारा क्या होता है ना, हमने पर्यावरण से संबंधित कुछ संगठकों को पढ़ा, जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा संगठक पढ़े हमने, स्थल मंडल पढ़ा, वायुमंडल के बारे में पढ़ा, जीव मंडल, जल मंडल, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, सतत विकास को देखा, सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, और कुछ हमने हमारे जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हमने देखा और पृथ्वी सम्मेलन, इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है पहले, पिछली दोनों वीडियो को आप देख लें, मैं आपसे अब भी बोलता हूँ जो भी व्यक्ति नए आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो बताइए इनमें से जो हमारे ऑप्शन है हमारे चार, इनमें से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, कौन सा ऑप्शन एक ऐसा है जो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करता है। तो धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, तो बताइए किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो क्या है इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गरीबी कम करना। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध रखने में धारणीय विकास जो हमारा सतत विकास है उसका संबंध है, क्योंकि मैंने जब बताया था आपको सतत विकास क्या होता है, सतत विकास वह होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जल है, जल को जैसे जल की आज हमें ज़रूरत है तो भविष्य में भी हमें जल की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पानी को फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वातानुकूलन, जो एसी वगैरह होती है अगर हम इनका कम प्रयोग करेंगे हैं, इनसे जो निकलने वाली जो हानिकारक गैस हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं, तो दोस्तों इसका भी पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध है, अगर हम इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण होगा। ठीक है, कागज के थैलों का प्रयोग, वहीं प्लास्टिक के थैलों की जगह हम कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे तो हमारा पर्यावरण पर प्रभाव कम पड़ेगा, प्लास्टिक से हमारा पर्यावरण प्रदूषण बहुत होता है आजकल, तो आपने देखा होगा सभी राज्य और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन हैं, सभी पर एकल यूज वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं गरीबी कम करना, तो गरीबी कम करना एक हमारा वैसे माना जाए तो यह पर्यावरण से संबंध है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए यह पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, तो यहाँ पर जो धारणीय विकास है, वातानुकूलन है, कागज के थैलों का प्रयोग है, इनसे यह डायरेक्ट संबंध है हमारा पर्यावरण का, डायरेक्ट संबंध है। वहीं गरीबी कम करने की बात करें तो इनडायरेक्ट हमारा संबंध है गरीबी कम करने का, पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं लेकिन पर्यावरण से संबंध है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो बताइए आपने अगर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो बताइए
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में, ठीक है ना, 1986 में। तो आगे चलिए, पर्यावरण किससे बनता है? तो बताइए पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, या उपर्युक्त सभी से? तो क्या है इसका राइट आंसर? और दोस्तों हाँ, आपके जितने भी क्वेश्चन सही जाएं, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि हाँ इतने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। उससे पता चलता है कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, अच्छे से वीडियो देखी होंगी, तो मैं बता रहा हूँ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, यकीन मानिए। ठीक है, तो बताइए पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है किससे? जीवीय घटकों से, हाँ, उपयुक्त सभी से। ठीक है, पर्यावरण किससे बनता है? उपयुक्त सभी से। अब जीवीय घटकों में क्या आता है? वही जैविक घटक, जैविक घटक, जीवीय घटक मतलब जैविक घटक। पढ़ाए थे मैंने, जब कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, उनमें बताया था जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा संघटक, ये वही तीनों हैं, बस नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो शब्दों का ही खेल होता है दोस्तों, जब शब्द हमारे समझ में आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और वहीं थोड़ा चेंज कर देना शब्दों को तो बच्चे आधे तो बस घूम जाते हैं कि क्या है। ठीक है, तो जैविक घटक हमारे, तो जैविक घटक के बारे में मैंने बताया था, वही पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, है ना। और वही अजैविक घटक, निर्जीव, जिनमें जान ना हो, भौतिक संघटक। तो अजैविक घटक कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? स्थल, वायु, जल, है ना, पहाड़, पठार, ये सब क्या है? अजैविक घटक। और भू आकृतिक संघटक, वही ऊर्जा हमारे संघटक, सौर्य ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है ना दोस्तों, तो समझ आया ना? तो चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि धारणीय विकास, वही हमारा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी सतत विकास, पहले आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं कि सतत विकास होता क्या है। सतत विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो अब बताइए धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा भी आप ना सोचेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है कि हम किसके उपयोग की बात करते हैं धारणीय विकास में, सतत विकास में हम किसके उपयोग की बात करते हैं, कि आज हम किसी चीज़ को वेस्ट ना करें तो हमें भविष्य में उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो किस चीज़ की बात करेंगे? केवल भौतिक संसाधन की नहीं करेंगे, भौतिक संसाधन की, भौतिक संसाधन के अलावा और भी तुम्हारे संसाधन हैं, औद्योगिक संसाधन, तो केवल हम पार्टिकुलर एक संसाधन की बात थोड़ी करेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ही कहा जाता है कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करें, इस न्याय संगत उपयोग करें, इनका क्षरण ना करें, इनको वेस्ट ना करें, ठीक है, इनका संरक्षण करें, इनका प्रबंधन करें, उचित इनकी व्यवस्था करें, और उस तरीके से इसको यूज करें कि भविष्य में हमें कभी परेशानी न हो। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारा विश्व पर्यावरण दिवस वाला, UPPCS प्री 2012, UPPCS मेंस 2011, UPPCS मेंस 2004, UPPCS मेंस 2014, और उसके अलावा भी बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, अच्छे से पता होगा आपको कि कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, कब? 14 नवंबर को। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। मैंने आपको बताया था स्टॉकहोम में पहली बार हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, 1972 में हुआ था ना, जो कि हमारा विश्वव्यापी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला हमारा शिखर सम्मेलन था। तो 1972 में तभी, और यह हुआ था कब, 5 जून को ही हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था, तभी से 1972 से हमने स्टार्ट, यहीं से घोषणा हुई थी कि 5 जून को प्रतिवर्ष
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और मैंने बताया था जो पहला मनाया गया था वो कहीं कहीं 73 आता है, कहीं 74 है, तो आप उस पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वो देख लेना। वैसे 73 या 74 अब देख लेना, ऑप्शन में 73 या 74 एक ही आएगा, ठीक है। तो उसमें जो हमारा पहला मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी, मैंने बताया था ना, क्या थी? ओनली वन वर्ल्ड, ठीक है। और 2018 में भारत ने मेजबानी की थी, तो तब रखी गई थी हमारी थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और पिछली साल जो है चीन ने की थी इसकी मेजबानी, तब थीम रखी गई थी बीट एयर पॉल्यूशन, ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, और हाँ चलो इन डेट के बारे में बताऊं, 1 दिसंबर को दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, है ना, 1 दिसंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस, है ना, 15 अगस्त के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी अवस्थित है, मैंने बताया था निरी कहाँ अवस्थित है, हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में नहीं है, कहाँ पर है, नागपुर में, है ना, निरी के बारे में मैंने बताया था ना, कहाँ है, नागपुर में। और यह किसके अधीन काम करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है निरी, और इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं, कहाँ कहाँ, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी बनी हुई हैं निरी की। तो चलिए आगे, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो बताइए सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, जैविक विविधता का संरक्षण, जैव विविधता, आगे हमारा टॉपिक आने वाला है दोस्तों जैव विविधता, तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से हम डिटेल में और बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे, जैसे हमने पर्यावरण को पढ़ा उस तरीके से हम पढ़ेंगे, और पूरा इन्वायरमेंट भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, समझ में आपके सब कुछ आने वाला है, बस बने रहिए बी सक्सेस प्लस के साथ। चलिए आगे देखते हैं, तो सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं निरंतर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं सतत विकास के लिए आवश्यक, जैसे जैव विविधता का संरक्षण, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, वैसे तो अभी मैंने बताया नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसका संरक्षण, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, और एक ऐसा मतलब एक कॉलोनी टाइप जहां पर सब कुछ पाया जाता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, है ना, सब कुछ है, तो ऐसे क्षेत्र जो बायोडाइवर्सिटी, सघनता जहाँ पर होती है, तो बायोडाइवर्सिटी भी इसके लिए आवश्यक है ना। और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये तो हर तरीके से हर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है, और क्योंकि प्रदूषण का निरोध, प्रदूषण को रोको, उस पर नियंत्रण करो, ठीक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि आज हम प्रदूषण करेंगे हैं तो आगे फ्यूचर में आने वाले हमारे भविष्य में हमारे लिए दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आज ही हम इतना प्रदूषण कर देंगे तो हमें न स्वच्छ हवा मिलेगी, न स्वच्छ पानी मिलेगा, तो दिक्कत होगी ना, सतत विकास के लिए आवश्यक हो गया। निर्धनता को घटाना, यह इसका एक पहलू यह भी आता है कि निर्धनता को घटाना सतत विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो आपको याद हो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था, और यहीं से हमारी शुरुआत की गई थी एजेंडा 21, क्योंकि 21वीं सदी लगने वाली थी, और सतत विकास को यहाँ पर महत्व दिया गया था, है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, और यह स्टॉकहोम समझौता जो था अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ थी, ठीक है, 20वीं वर्षगांठ थी, बताया था मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और यह हुआ कहाँ पर था, तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के शहर में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, रियो 20 घोषणा पत्र, तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक, तो रियो 20 कब मनाया गया था, मैंने बताया था, हाँ दोस्तों याद आया मुझे, क्योंकि जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था
स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि 1972 में पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ है, फिर उसके बाद में हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, फिर उसकी 5 साल पर समीक्षा हुई, फिर उसकी 10 साल पर समीक्षा हुई, फिर उसकी 20 साल पर समीक्षा हुई। जब 20 साल पर जो समीक्षा हुई थी 1992 के बाद 2012 में, तो यही था हमारा रियो+20, ठीक है, जो कि फिर से रियो डी जेनेरियो में ही मनाया गया था 1992 के बाद। पहले तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था हमारा रियो डी जेनेरियो में, फिर उसके बाद 20 साल बाद फिर से रियो में ही मनाया गया था रियो+20, ठीक है, यहाँ समीक्षा की गई थी। तो इसमें जो पत्र का शीर्षक था, यह क्वेश्चन हमारे लिए नया हो जाता है, मैंने यह वहाँ पर नहीं बताया था। तो यहाँ पर देखिए, तो उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉन्ट। क्या था? द फ्यूचर वी वॉन्ट, ठीक है दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायु एक। वायु क्या है दोस्तों? वायु यौगिक है, वायु एक तत्व है, या वायु एक मिश्रण है, या विद्युत अपघट्य है? तो बताइए वायु क्या है। तो पहले तो दोस्तों मुझे आप यह बताइए कि तत्व का क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है ना? तो तत्व दोस्तों पदार्थ का एक साधारणतम रूप होता है, जिसे हम रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा उपविभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया ना? पदार्थ का एक साधारणतम रूप होता है कोई पदार्थ, तो उसे बोलते हैं हम तत्व। यौगिक क्या होता है? यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व को द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं, ठीक है, एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं दो या दो से अधिक तत्व, तो उसे कहते हैं हम क्या? यौगिक। और मिश्रण की बात करें तो मिश्रण होता है, मिश्रण तो मिश्रण है, कुछ भी मिला दो उल्टा सीधा, ठीक है, उसमें कोई हमारा रेशियो नहीं होता है ना? तो वही होता है मिश्रण हमारा, क्या? वायु। वायु क्या होती है हमारी? मिश्रण। क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको वहां बताया था जब मैंने वायुमंडल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन हमारी कितनी पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन 21, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, वैसे तो 20.95% है, ठीक है, तो हमारी क्या है, 21% हमारी क्या होगी? ऑक्सीजन। ऑर्गन बताई थी मैंने 0.93%, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बताई थी 0.038%। तो अब यह समान अनुपात में थोड़ी है, तो यह होता है हमारा मिश्रण, ठीक है, वायु याद रखना क्या होता है? मिश्रण। चलिए, आई होप आपकी समझ आया होगा यह क्वेश्चन। आगे, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नोबल गैस, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस कौन सी है जो वायु में नहीं पाई जाती? वैसे ये चारों हैं हमारी नोबल गैस, याद रखना, आर्गन, रेडोन, नियोन, ज्यादातर याद रखना, ये जो बना होता है ना हमारा ऊपर, ज्यादातर गैसों पे ये ट्रिक है, तो ये हमारी नोबल गैस होती है, ठीक है, नहीं है, आर्गन है, रेडोन है, नियोन है, तो ये सब हमारी क्या है? नोबल गैस है। तो इनमें से ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो वह हमारी है रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। रेडॉन नहीं पाई जाती है। ऑर्गन के बारे में तो मैंने आपको बताया था ना, ऑर्गन पाई जाती है हमारी, ऑर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है ना, है ना। हीलियम के बारे में तो पता ही होगा, हीलियम कितनी पाई जाती है? 0.0005% पाई जाती है हीलियम। और नियोन भी पाई जाती है, नियोन कितनी पाई जाती है? 0.0018% पाई जाती है, ठीक है। और ऑर्गन तो मैंने बता ही दिया, 0.93% पाई जाती है। बस हमारी कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो बताइए कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो बताइए इनमें से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधों के बारे में तो आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर तो आप लगा लेंगे। तो क्या है इसका राइट आंसर? पेड़ पौधे कभी वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, ठीक है। वहीं बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं ना, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन है, ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। शोर का अवशोषण, यह पॉइंट आपकी समझ आ रहा है, शोर का अवशोषण। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी आपकी समझ आएगा कि आपने देखा होगा जब आप हाईवे वगैरह पे जाते हो तो साइड से पेड़ लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ आपको मिलते हैं, यूकेलिप्टस के लगा दिए जाते हैं, ज़्यादातर देखे होंगे, है ना, आम के भी है, शीशम वगैरह, तो ये लगा दिए थे। क्यों लगाए जाते हैं? यह हमारा एक काम नहीं करते हैं, यह
जो हमारा प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण उसको भी कंट्रोल करते हैं, और जो ध्वनि प्रदूषण होता है या ध्वनि को अवशोषित करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी रोकते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं हमारे पेड़ पेड़ पौधे। ठीक है, तो ज़्यादातर हाईवे में बीच में भी देखे होंगे, है ना, बीच में भी लगाए जाते हैं ना हाईवेज में, तो ये इसलिए लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन सा एक ऐसा हमारा चक्र पृथ्वी के कार्बन चक्र में है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता? तो पहला तो ये देखिए कौन बढ़ाता है, तो ये इसे तो काट दीजिए, ये तो बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, दूसरा श्वसन में भी हम सांस लेते हैं, हम छोड़ते हैं, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते? यह श्वसन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, बढ़ाता है, बढ़ाता है। ठीक है, श्वसन भी बढ़ाता है। और वही अरे हमारा आंसर तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा किया जाता है, वो अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ठीक है, मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, मात्रा क्या पेड़ पौधे उसके बाद में ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, सही है, यह सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों, और जो मेरे द्वारा दिए गए ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप प्ले मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो बताइए UNEP के बारे में मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी, और किसके द्वारा? जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसी में की गई थी इसकी स्थापना, और इसका मैंने मुख्यालय बताया था कहाँ है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। चलिए, अगर आपने पिछली दोनों वीडियो को देखा है, टॉपिक को कंप्लीट किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप, मैं बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा दिए गए यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से आप 15 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे, 15 प्लस क्वेश्चन आप कर जाओगे, गारंटी से। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, ये सब पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए हैं आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो आगे चलिए, तो चलिए मैं इनके बारे में बताऊँ। कैनवरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पता है आपको कैनवरा। ओटावा है हमारी राजधानी है, ये भी ओटावा, मुझे अब याद नहीं आ रही है ओटावा कहाँ की राजधानी है। ठीक है, बता दूंगा आ जाएगी तो। नागासाकी हमारा शहर है जापान का, जहाँ पर हमारा हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है, तो पहले हमारा हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे गिरा था, बहुत तबाही हुई थी आपको पता हो द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, अभी तक बताया जाता है वहाँ पर लोग अपंग पैदा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करने वाले हैं इसे, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या, उनमें प्रोटीन अधिक हो। ठीक है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। तो इको मार्क जो दिया जाता है दोस्तों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो उत्पाद होते हैं उनको दिया जाता है। आपको मैं बताऊं, कभी कोई प्रोडक्ट आप लेकर आओ तो उसमें ना दो डॉट बने होते हैं इस तरीके से, एक होता हमारा रेड, एक होता हमारा ग्रीन। तो जो रेड होता है वो नॉन वेज को दिखाता है, एक और एक वेज को दिखाता है। तो यह पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होते हैं जो उत्पाद, उन्हीं प्रोडक्ट पे लगे आते हैं इको मार्क। ठीक है, प्रोटीन का कुछ नहीं है उसमें। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही करा दिया है मैंने। ठीक है, तो पढ़े होंगे तो पता होगा, तो कौन सा है?
पंजाब और इजराइल, पंजाब के मार्क फेड और इजराइल के सयाग, दो जगह थी उनके बीच एक समझौता हुआ था, उसके द्वारा यह हमारे पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई हैं। ठीक है, सब्जियां उगाई गई थी यह, तो यह हुआ था 2001 में। ठीक है, 2001 में, तो बस इतना याद रखना हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी किसने, पंजाब ने। तो आगे देखिए, देखिए आ गया ग्रीन डेवलपमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, हरित विकास बताया था ना, कौन है इसके लेखक, डब्ल्यू एम एडम्स, कौन है, डब्ल्यू एम एडम्स इसके लेखक हैं ग्रीन डेवलपमेंट। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, ये भी मैंने आपको बताया था, जापान के हमारे कृषक दार्शनिक